आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत का मेगा शो होने जा रहा है। आज पीएम मोदी 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान लड़ाकू विमान भी एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर उतरेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 80-130 जे सुपर हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर की लैंडिंग के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी उड़ान की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मेगा शो करने वाले हैं। सुखोई, मेराज और जगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन के शक्ति प्रदर्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर प्लेन उतरेंगे और बीजेपी का चुनावी अभियान उड़ान भरेगा। आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी C-130 हरक्यूलिस विमान से उतरेंगे, फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। इसके बाद मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का भाषण होगा। दोपहर 2:40 पर एयर शो शुरू होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे का एयर शो होगा। 6 फाइटर प्लेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जैगुआर विमान टेक ऑफ और टच डाउन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर यह 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसका इस्तेमाल युद्धकाल में आपातकाल में किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस पट्टी पर लड़ाकू और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता आज दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने मेगा शो में तब्दील करना चाहती है कि संदेश यूपी के हर वोटर तक जाए। और इस एक्सप्रेसवे की टॉप बातें क्या है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आदर्श के पास। और सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टॉप 5 बातें क्या है वो आपको बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, उसमें जो सबसे बेहतर 5 बातें हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर की है। हवाई पट्टी जो बनाई गई है वो करीब 3.5 किलोमीटर का इलाका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको कुछ खास तरीके से बनाया गया है, जिस पर हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स, ये तमाम जहाजों को उतारा जा सकता है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे की रह जाएगी, जो पहले करीब करीब 10 घंटे लगते थे। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,495 करोड़ रुपए का खर्च आया है और 9 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे बहुत अहम हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाना आसान नहीं था, रोड के साथ साथ कई चीज़ें और भी विकसित की गई हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे ये पूरा 341 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे में करीब 18 फ्लाईओवर आएंगे, रेलवे ओवरब्रिज हैं 7 लंबे पुल हैं इसमें, छोटे पुलों की संख्या 118 है। अंडरपास जो एक्सप्रेसवे के नीचे से आसपास के लोगों को ज़िले में उतरने और ज़िले से जुड़ने के लिए दिए गए हैं, वो करीब 271 हैं और पुलिया करीब 502 हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास की गाड़ी भी सर पर दौड़ती नजर आएगी। इस एक्सप्रेसवे पर कई चीजें हैं जो इसे खास बनाती है। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहाजों की लैंडिंग बेशक हेडलाइन बने, पर एक्सप्रेसवे का काम है इलाकों को जोड़ना, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये काम बखूबी करने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले जुड़ेंगे। ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि इस हाईवे का मकसद है कि इस पर तेज रफ्तार गाड़ियां विकास को साथ लेकर दौड़ सके। लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चांदसराय गांव से शुरू होकर यूपी के 9 जिलों को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की जान बनेगा और गाजीपुर के हैदरिया गाँव पर खत्म होगा। जिस यात्रा में 10 घंटे लगते थे, अब वही गाजीपुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 3.5 किलोमीटर रह जाएगी। एक्सप्रेसवे गांवों और शहरों को महानगरों से जोड़ देगा और इस तरह विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के निकट के 10 किलोमीटर की दूरी तक के गांवों को सड़कों से कनेक्ट किया जा रहा है। ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा, जो अपनी उपज को सीधे राज्य की राजधानी में ला सकेंगे। एक्सप्रेसवे के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
प्रदेश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चार धार्मिक स्थलों को भी जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी जाएगी। एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। पशुओं को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ फेंसिंग की गई है। एक्सप्रेसवे पर लगातार पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा। सुविधाओं के मामले में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी से पीछे नहीं रहेगा। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप की योजना है। 4 जगहों पर सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन की भी योजना है। किनारे पर 4.5 लाख वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल नहीं है, लेकिन 11 जगहों पर टोल बूथ बनाए जाएंगे। तो इस एक्सप्रेसवे की खासियत आपने देखी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ही बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की अब लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल में किसका झंडा लहराएगा, एक्सप्रेसवे पर किसकी गाड़ी दौड़ेगी? उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जंग का अखाड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले एक्सप्रेसवे पर स्वागत तैयारियों का जायजा लिया। योगी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने तय वक्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार कर दिखाया है। वहीं अखिलेश पुराने पोस्टर दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आइडिया भी उनका था और शिलान्यास भी उनका था। पोस्टर में लिखा है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नीचे लिखा है, देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, तारीख 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं, जनता सब जानती है। और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। जिन 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां तरक्की की राह खुलेगी, लोगों को आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि 9 जिलों में वोटर्स का आशीर्वाद उसे मिलेगा। बीजेपी को ये भी लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश अवध और पूर्वांचल दोनों जगह जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला है। इसका सियासी गुणागणित समझ लीजिए, अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में कुल 130 सीटें हैं, ये दोनों मिलाकर होती हैं 248 सीट। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को इन 248 सीटों में से 184 सीट हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी की नज़र इन 248 सीटों पर है, तो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है बीजेपी। और यही वजह है बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस रखा है। पूर्वांचल में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से पहले ही गठजोड़ है। पिछले दिनों बीजेपी ने निषाद पार्टी से भी समझौता किया है। ये छोटे छोटे दल पूर्वांचल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। उधर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। अखिलेश ने संजय चौहान की जिस पार्टी से तालमेल किया है, उसका प्रभाव भी पूर्वांचल में ही है। यही वजह है जिस वक्त मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, उसी वक्त अखिलेश ने अपनी विजय यात्रा का कार्यक्रम गाजीपुर में रख दिया। सियासी खेल में अखिलेश की यात्रा को मंजूरी नहीं मिली तो अखिलेश की नाराजगी उबल पड़ी। वहीं इसका तोड़ अखिलेश ने यह निकाला कि अब पूर्वांचल में उनके कार्यकर्ता आज ही पुष्प वर्षा करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल अखिलेश का प्लान है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के काम पर तो सवाल उठा ही रही है, ये भी कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा बनना था वैसा बना नहीं। जिस गुणवत्ता के साथ
जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल बिटुमिन नहीं यूज हुआ है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से बिटुमिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़े। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया। योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है, इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ, और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं, या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी, दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवे और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे, ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है, और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूं, और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेसवे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसीलिए अखिलेश हर दाव खेल लेना चाहते हैं, और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।